अमित जी, कुछ व्यूअर्स हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। आपको क्या लगता है सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, क्या फंडामेंटल्स हैं? जी, मुझे लगता है सोयाबीन के साथ साथ सीपीओ रिफाइंड सोया तेल भी कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से जो मांग है वो दोबारा उभर के आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मुझे लगता है कि सीपीओ में 1150 का शॉर्ट टर्म टारगेट तो लिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक से डेढ़ महीने का व्यू लें तो लगभग 1210 के दाम दोबारा दिखाई देंगे। उसी प्रकार हम सोया रिफाइंड में देख पाएंगे कि 1780 के नीचे नहीं जा पा रही है, सॉरी 1180 के नीचे नहीं जा पा रही है, और अपसाइड में मुझे लगता है काफी जल्द हमें 1300 से 1320 के दाम देखने को मिलेंगे। तो दोनों में ही सोयाबीन के साथ साथ रिफाइंड सोयाबीन और सीपीओ में मुझे तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं करंट बजट में। जी,